माय चैनल एग्जाम वाइज मैं पढ़ा रही हूँ पॉलिटी और पॉलिटी में आज पढ़ाऊंगी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो सबसे पहले आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज आप कर लोग कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक क्या है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस कौन से देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन आएगा कि नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निदेशक सिद्धांत किस भाग में है, तो भाग किस में है, भाग चार में है। किस भाग में है, भाग चार में है। कहाँ से कहाँ तक है, आरपीएस का कितना है, तो 36 से लेकर 51 तक है। कितना है, 36 से लेकर 51 तक है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। किस भाग में है, भाग चार में है। आरटी कितना है, तो 36 से लेकर 51 तक। 36 में क्या है, आरटी 36 में है। राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है, किसकी परिभाषा का वर्णन किया गया है, राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। क्योंकि ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है तो राज्य की परिभाषा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो 36 में किया गया है। 37 में क्या है, आर्टिकल 37 में है, नीति निर्धारक तत्व न्याय योग्य नहीं है। क्या नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के नीति सिद्धांत का हनन हो रहा है तो वह न्यायालय में नहीं जा सकता है। तो ये मतलब इसका क्या मतलब हो, ये न्याय योग्य नहीं है। आर्टिकल 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य क्या करेगा, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। किसके कल्याण के लिए, राज्य के। आर्टिकल 39 में क्या है, राज्य स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रयास करेगा। मतलब स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि स्त्रियों को ज्यादा वेतन दिया जाएगा पुरुषों को कम, या फिर पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जाएगा स्त्रियों को कम दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। राज्य क्या करेगी, समान कार्य के लिए समान वेतन देगी। आगे 39 का में क्या है, तो इसमें राज्य सभी को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, निशुल्क विधिक सहायता, मतलब कि कोई पैसा लिया नहीं जाएगा, विधिक सहायता में कानूनी सहायता के लिए राज्य क्या करेगा, सभी को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 39 का। कितना है, 39 का। फिर आ जाइए आर्टिकल 40 में क्या है, इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, तो आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़िएगा जिससे आप लोगों का सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। आर्टिकल 40 में क्या है, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो किस भाग में है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 40 में है। कभी कभी पूछ रहे थे किस भाग में है ग्राम पंचायतों का गठन, तो राज्य की नीति सिद्धांत किस भाग में है, तो 4 में। तो क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 इसमें क्या है, काम का अधिकार है। राज्य क्या करेगा, काम का अधिकार देगा, शिक्षा का अधिकार देगा, सामाजिक उन्नयन का अधिकार देगा, लेकिन वो आदमी लिमिटेशन में रहेगा। राज्य ऐसा कोई काम भी नहीं करेगा जिससे उसके ऊपर बर्डन आ जाए। राज्य उधार पैसा भी लेगा तो कम लेगा, मतलब जितना वो दे सके, ये नहीं कि पैसा ज्यादा ले लिया और फिर उसको चुका ही ना पाए। तो आर्टिकल 41 में क्या है, काम का अधिकार है। आर्टिकल 42 में क्या है, काम को न्याय संगत। क्या है, काम को न्याय संगत। राज्य जो है आर्थिक और सामाजिक जो पिछड़े वर्गों को लोग हैं उनके उन्नयन का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 42 में क्या है, राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके उन्नयन का प्रयास करेगा, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन का प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 में क्या है, कामगारों को न्यूनतम मजदूरी। जो कामगार होंगे उनकी एक न्यूनतम मजदूरी होगी, न उससे कम होगी न उससे ज्यादा होगी। आर्टिकल 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। राज्य सभी नागरिकों के लिए कॉमन सिविल कोड आयोजन करेगी, कि यह केवल गोवा राज्य में लागू है। कहाँ पर लागू है, केवल गोवा राज्य में लागू है। फिर आर्टिकल 45 क्या है, 0 से 6 वर्ष के जो उम्र के बच्चे होंगे उनको निशुल्क शिक्षा और निशुल्क पोषाहार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 45 क्या है,
जीरो से छह वर्ष के कम आयु के बालकों को अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क पोषाहार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थे राज्य के निधि निषेध सिद्धांत, फिर आर्टिकल 46 बताएंगे, लेकिन एक बार रिवीजन करा देते हैं। तो निधि निषेध सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किस भाग में है, तो भाग चार में है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से लेकर 51 तक है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।